स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माय नेम इज मोहम्मद आबिद हमीद। तो स्टूडेंट आज से हम डेटा कम्युनिकेशन CS601 का कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है CS601 की पावर पॉइंट स्लाइड जो है वो टोटल 220 जो है वो हमारे इस कोर्स में दी गई हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 110 पावर पॉइंट स्लाइड जो है वो हमारे मिड टर्म के सिलेबस में इंक्लूड होंगी। तो मैं डेली लेक्चर में आप लोगों को 5 जो है वो पावर पॉइंट की स्लाइड करवाऊंगा। आपका जो पेपर है वो इन्हीं पीपी स्लाइड में से आएगा। जो पावर पॉइंट की आपको स्लाइड दी गई है इन्हीं में से आपका फाइनल टर्म और मिड टर्म का एग्जाम जो है वो कवर होगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि वी आर आल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस फॉर CS601। कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप फॉर ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहता है तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके जो है वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको क्लासेस जो है वो अफोर्डेबल फीस के साथ जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। तो इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 1 से टॉपिक नंबर 5 तक कवर करेंगे। बेसिकली ये पावर पॉइंट स्लाइड है, 1 से 5 तक जो स्लाइड है हमारी पावर पॉइंट की वो आज के हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। साथ में आप लोगों को मैं जो है पावर पॉइंट की स्लाइड भी शो करवाऊंगा और ये शार्ट नोट्स जो है वहां से भी हम थोड़ा इसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक दिया गया है कम्युनिकेशन। बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। बेसिकली आप जब जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो वो किस चीज़ में आता है, वो कम्युनिकेशन में आता है। अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज। तो फ्रेंड कम्युनिकेशन इज द सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस वन पर्सन और वन टू अनदर। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन में आप जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे होते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह, किसी एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ या फिर किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का ये कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। यानी कि कम्युनिकेशन बेसिकली होता है बातचीत करना, ठीक है। वो आप कम्युनिकेशन टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल के जरिए भी कर सकते हैं, इवन के इमेजेस के जरिए भी जो है वो कम्युनिकेशन होती है। तो आपका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है वो आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन क्या होता है? तो फ्रेंड टेली कम्युनिकेशन आर द मीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर डिस्टेंस, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकल करते हैं। इसके सादा से एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इवन के आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो ये सारे सोशल मीडिया जो है वो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मीडियम है। और इन पर अगर आप चैट करते हैं, आप वीडियो अपलोड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा जो है वो ट्रांसफर करते हैं तो ये टेली कम्युनिकेशन में आता है। क्योंकि आप इसमें क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मीडियम यूज कर रहे हैं। आपने मोबाइल यूज किया या फिर आपने लैपटॉप यूज किया, तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मीडियम में आते हैं। तो इन सारी चीजों में आप जो है वो वॉइस
टेलीफोन कॉल, डाटा, टेक्स्ट इमेजेस और फिर वीडियो वगैरह भी यूज करते हैं। तो ये सारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, इवन वो आपकी वॉइस कॉल हो या फिर आपका डाटा हो, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस की सूरत में भी हो सकता है या फिर वीडियो की सूरत में भी हो सकता है, वो सारा प्रोसेस जो है वो टेली कम्युनिकेशन में आता है। तो टूडे टेली कम्युनिकेशन आर यूज टू ऑर्गेनाइज मोर आर लेस रिमोट कंप्यूटर सिस्टम इन टू टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। कह रहे हैं कि आजकल जो है वो टेली कम्युनिकेशन को किस लिए यूज किया जाता है, आपके कंप्यूटर को ज्यादा या फिर थोड़े फासले पर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेटवर्किंग में जो है वो टेली कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब नेटवर्किंग की जाती है तो उसके लिए हमें बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये सारा प्रोसेस किसके जरिए हो रहा होता है, टेली कम्युनिकेशन के जरिए हो रहा होता है, जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मीडियम भी यूज किए जाते हैं और कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है टेली कम्युनिकेशन के जरिए। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी गई है, तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें, जिसमें जो है वो टेली कम्युनिकेशन का मुकम्मल प्रोसेस बताया गया है। यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन है, आपके पास मोबाइल है, टैब है और इवन के व्हाट्सएप की मजीद दिखाई गई हैं। इन सारी चीजों का मतलब ये है कि आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करते हुए जितना भी डाटा आपस में ट्रांसफर करते हैं वो टेली कम्युनिकेशन में आता है। ये सारे जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे चैट के सिंबल्स हैं, मोबाइल के सिंबल्स हैं, पीसी के सिंबल्स हैं, इवन के यहाँ पे व्हाट्सएप का सिंबल भी दिया गया है। तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं जिनको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, अपना डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस टेली कम्युनिकेशन में आता है। इससे अगला हमारा जो है वो पावर पॉइंट में टॉपिक दिया गया है डाटा कम्युनिकेशन का। यहाँ से हमारा जो है वो CS601 का जो है वो कोर्स स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारी CS601 जो बुक है उसका जो मेन पॉइंट है वो डाटा कम्युनिकेशन के रिलेटेड बात करना है। तो इसको हम जरा पढ़ेंगे कि व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन, के डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है। ऊपर हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कि टेली कम्युनिकेशन क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है। एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया को यूज करते हुए दो डिवाइसेस के दरमियान जो डाटा एक्सचेंज होता है वो किस में आता है, डाटा कम्युनिकेशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लैपटॉप है और एक मेरे पास मोबाइल है, तो उनके दरमियान एक ट्रांसमिशन मीडियम होगा। उस मीडियम को यूज करते हुए मैं क्या करूँगा, अपने मोबाइल का डाटा अपने पीसी पर ट्रांसफर करूंगा या फिर अपने पीसी का डाटा अपने मोबाइल पर ट्रांसफर करूंगा, तो ये डाटा कम्युनिकेशन में आएगा। वो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, यानी ट्रांसमिशन मीडियम ही होता है ट्रांसमिशन का रास्ता, यानी कि वो पाथ जिसको मैंने यूज करके ये डाटा ट्रांसफर किया। वो पाथ जो होता है वो बेसिकली आप देखें तो वाईफाई भी हो सकती है, इवन के कुछ केबल भी हो सकती है जिसको यूज करते हुए मैं अपना डाटा मोबाइल से लैपटॉप में ट्रांसफर करूंगा। डाटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप जो है वो डाटा कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी को भी यूज करते हैं अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आप नए नए फीचर यूज कर रहे हैं, आजकल एप्लीकेशन आई हुई है प्ले स्टोर में, उनको यूज करते हुए आप डाटा ट्रांसफर करते हैं, आप नेटवर्क को यूज करते हुए एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक भी डाटा जो है वो अपना प्रोवाइड करते हैं। बहुत से ऐसे मीडियम दिए गए हैं आजकल जिनको यूज करते हुए आप अपना डाटा जो है वो लोगों तक जो है वो शेयर कर रहे हैं। इवन के यूट्यूब पर आप लोग आजकल डाटा अपलोड करते हैं वो भी हजारों लोगों के साथ, ये भी डाटा कम्युनिकेशन में आता है कि आप जो है वो डाटा कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के साथ, अपना डाटा जो है वो शेयर कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए। तो फ्रेंड ये एक छोटी सी यहाँ पे डायग्राम दी गई है
जिसको देखकर आप समझेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है। तो ये देखें, यहाँ पे एक सेंडर है और सेकंड साइड पे क्या है, रिसीवर है। और इसके दरमियान जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंडर जो होता है वो डाटा सेंड करता है, रिसीवर जो होता है वो डाटा रिसीव करता है। लेकिन इनके दरमियान एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, उस रास्ते को कहा जाता है कि ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया होता है, जिसको यूज करते हुए हम जो है वो डाटा अपना ट्रांसफर कर रहे होते हैं। वो वाईफाई भी हो सकती है, इवन के सेंडर और रिसीवर एक केबल के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि मोबाइल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देना, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो वो वाईफाई जो है वो हम शेयर करते हैं। एक पीसी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है एक कंट्री में, दूसरी तरफ दूसरे कंट्री में वही पीसी जो है वो वाईफाई के साथ कनेक्ट होता है और हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। उसमें ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, हमारा इंटरनेट जो है वो वहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम का काम कर रहा होता है। तो ये डाटा कम्युनिकेशन होती है, यानी कि हम डाटे के जरिए कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं डाटा सेंड करते हुए। तो फ्रेंड, आगे है हमारा टॉपिक स्टैटिस्टिक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। आई थिंक ये टॉपिक हमारे पावर पॉइंट स्लाइड में भी दिया गया है। तो ये है हमारा स्टैटिस्टिक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें चार जो है वो हमारी स्टैटिस्टिक बयान की गई हैं। नंबर वन पे डिलीवरी है, नंबर टू पे एक्यूरेसी है, और नंबर थ्री पे है टाइमलीनेस, और नंबर फोर पे है जिटर। तो वन बाय वन में आप हमको ये डिफाइन करूंगा, पावर पॉइंट स्लाइड में ये डिफाइन नहीं की गई। तो इनको मैं आप लोगों को बेसिकली वन बाय वन इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर इसके रिलेटेड आपको कोई एमसीक्यूज आता है तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। ये शार्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, यहाँ पर आप लोगों को इसकी डेफिनेशन स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगी। आप लोग ये साथ साथ अपने पास नोटबुक रखें, वहां पर इसको नोट किया करें। जो भी डेफिनेशन आपको देखने को मिले कि वो हमारे पावर पॉइंट स्लाइड में मौजूद नहीं है, तो आप लोग जो है वो इसको नोट कर लिया करें, ताकि जब भी एमसीक्यूज वगैरह आए आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर पाए। पहला हमारा है डिलीवरी। तो बेसिकली डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी का मीन होता है कि आपका जो डाटा है डेस्टिनेशन पे डिलीवर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सोर्स है जिसका नेम है ए और एक डेस्टिनेशन है जिसका नेम है बी। अब सोर्स ए ने डाटा भेजा है डेस्टिनेशन बी को, तो अगर तो मेरा डाटा जो है वो सोर्स ए से डेस्टिनेशन बी तक चला जाता है तो वो डिलीवरी हो गई। ठीक है, अगर मेरा डाटा जो है वो सोर्स ए से डेस्टिनेशन बी तक नहीं जाता बल्कि वो डेस्टिनेशन सी तक चला जाता है या फिर डेस्टिनेशन डी की तरफ चला जाता है तो वो डिलीवरी नहीं होगी, वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। तो डिलीवरी बेसिकली हमारी खसूसियात है डाटा कम्युनिकेशन की, कि आपने जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया है आपका डाटा जो है वहां पर ही ट्रांसफर होगा, ये आपके डिलीवरी में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डिलीवरी का बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन में क्या काम है, इसकी क्या खसूसियत है। इसकी खसूसियत यही है कि आपने जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर दिया है आपका डाटा वहां पर ही ट्रांसफर होगा, कहीं और आपका डाटा जो है किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर नहीं होगा। ये डाटा कम्युनिकेशन की क्या है, खासियत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसकी अगर एग्जाम्पल दूं मैं तो देखें, एक बंदा जो है वो व्हाट्सएप से चैट कर रहा है किसी दूसरे दोस्त के साथ। तो अगर उसने मैसेज किया है अपने दोस्त को, पहला तो वो सेंड करने वाला तो सोर्स हुआ, और जिस दोस्त को उसने मैसेज किया वो क्या है, वो डेस्टिनेशन है, रिसीवर है और वो डेस्टिनेशन है। अब उसका मैसेज उस दोस्त को ही जाएगा, ये डाटा कम्युनिकेशन की खासियत है। ऐसा तो नहीं होता कि आपने अपने दोस्त के नंबर पे मैसेज किया और वो किसी दूसरे दोस्त के नंबर पे चला जाए, ऐसा नहीं होता डाटा कम्युनिकेशन में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया है वहां पर जो है आपका डाटा जो है वो डिलीवर होता है। आगे है एक्यूरेसी की बात करें, तो एक्यूरेसी में क्या होता है, एक्यूरेसी मीन रिसेप्शन ऑफ डाटा विद नो एरर, आपका डाटा जो है वो विदाउट एनी एरर जो है अगले बंदे तक पहुंचना चाहिए। फॉर एग्जांपल,
अगर इसको मैं आपको सादा लफ्जों में समझाऊं तो आपका डाटा जो है वो तरतीब के साथ अगले बंदे तक जो है वो डिलीवर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने ना एक मजमून लिखा, मजमून मैंने एक सीक्वेंस के साथ लिखा, ठीक है, स्टार्ट किया मजमून का और एंड किया, ठीक है, और मैंने अपने दोस्त को वो मजमून सेंड कर दिया। तो अगर वो मजमून जैसे मैंने लिखा है उसी तरतीब के साथ मेरे दोस्त को रिसीव होता है तो ये किस में आता है? डाटा कम्युनिकेशन की खासियत में आता है कि ये डाटा जो है वो एक्यूरेट है, एक्यूरेसी के साथ अगले बंदे को डाटा रिसीव हो चुका है, यानी उसमें कोई मिस्टेक कोई एरर नहीं आया। अगर वो मजमून जो है जैसा मैंने लिखा था उस तरतीब के साथ अगले बंदे तक नहीं जाता बल्कि एक्सचेंज हो जाता है तो वो क्या है? वो डाटा कम्युनिकेशन में नहीं आता, वो डाटा कम्युनिकेशन की खसूसियत नहीं है। आप देखिए ना, मैं मैसेज लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई छोटा सा मैसेज लिख के भेज दिया अपने दोस्त को, तो वो मैसेज एज इट ही रिसीव होगा मेरे दोस्त को, क्योंकि ये डाटा कम्युनिकेशन की खसूसियत है कि आपका डाटा जो है वो एक्यूरेसी के साथ अगले बंदे तक जाएगा। आप ऐसा तो नहीं है मैसेज कुछ और लिखा है और वो रास्ते में एक्सचेंज हो गया, आगे पीछे हो जाए वर्ड और अगले बंदे को कुछ और रिसीव हो, इस तरह तो फिर झगड़ा हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं कि एक्यूरेसी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है आपकी कम्युनिकेशन में, कि आपने जो अल्फाज या आपने जो डाटा भेजा है वो एक्यूरेसी के साथ अगले बंदे तक पहुंचना चाहिए। टाइमलीनेस मीन डिलीवरिंग ट्रांसमिटिंग द डाटा विद इन अ टाइम इंटरवल, ठीक है। और टाइमलीनेस में ये होता है कि आपका जो डाटा है वो मुकर्रर करदा टाइम में जो है वो डिलीवर होना चाहिए, ठीक है। आपका जो डाटा है ना वो विद इन टाइम इंटरवल जो है वो डिलीवर होना चाहिए। तो ये डाटा कम्युनिकेशन की एक खासियत है कि आपने जो डाटा सेंड किया है, अब मैंने मैसेज कर दिया है और इसका ये टाइम इंटरवल है कि अगला बंदा जब भी इंटरनेट ऑन करे मेरा मैसेज उसको रिसीव हो जाए, तो ये हमारा डाटा कम्युनिकेशन की खासियत में आता है। अब ऐसा तो नहीं मैंने मैसेज भेजा है और वो अपनी मर्जी से, उसका इंटरनेट भी ऑन है और मैसेज जो है वो अपनी मर्जी से वहां पे जो है वो डिलीवर हो रहा है, तो फिर ये जो है डाटा कम्युनिकेशन की खासियत में नहीं आएगा, बल्कि इसकी खासियत ये है कि अगर मैंने मैसेज भेजा है इंटरनेट के थ्रू तो जैसे ही बंदा इंटरनेट ओपन करे तो मेरा जो भेजा गया मैसेज है, मेरा भेजा गया जो डाटा है वो उसको विद इन टाइम इंटरवल जो है वो रिसीव हो जाए, ठीक है। तो ये आपका जो है वो डाटा कम्युनिकेशन में आता है, ये इसकी खासियत होती है कि आपका जो डाटा है विद इन टाइम जो है वो अगले बंदे को रिसीव होना चाहिए। आगे हमारा आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है जिटर का, तो जिटर रेफर टू द वेरिएंट इन द पैकेट अराइवल ऑफ टाइम। अब देखिए आपका जो डाटा है ना वो पैकेट्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होता है, यानी कि डिलीवर होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपके पैकेट्स जो है वो डाटा के टाइम के हिसाब से जो है वो डिलीवर होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो डाटा जो है वो बहुत ज्यादा टाइम ले या फिर बहुत लेंथी टाइम ले जिससे जो है आपका डाटा ट्रांसफर करने में आपको प्रॉब्लम आए। तो ये डाटा कम्युनिकेशन की एक खासियत है कि आपके जो डाटा के पैकेट्स होते हैं वो टाइम के साथ अगले बंदे को रिसीव होने चाहिए। तो ये नीचे कुछ और डेफिनेशन मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए ऐड की हैं, इनको आप लोग नोट कर लें, रीड कर लें। इन टॉपिक्स के रिलेटेड अगर आपको कोई एमसीक्यूज आता है तो वो आप लोग आसानी के साथ कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ एक्सटेंड डेफिनेशन है, बाकी वो ही है जो ऊपर मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी है, जैसा कि डिलीवरी है, डाटा मस्ट बी रिसीव्ड, हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से रीड कर रहा हूँ मैं इतना कि डाटा मस्ट बी रिसीव्ड बाय द अटेंडेड डिवाइस आर यूजर एंड ओनली बाय द डिवाइस आर यूजर। तो डिलीवरी का मतलब यही होता है कि आपने जिस बंदे को या फिर जिस डिवाइस पे डाटा भेजा है उसी डिवाइस पे डाटा रिसीव हो, उसी यूजर को डाटा रिसीव हो, तो ये आपका डिलीवरी का जो एक प्रोटोकॉल होता है, यानी कि रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो ये एक्यूरेसी का भी मैंने आप लोगों को ऊपर अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि आपका जो डाटा है वो
एक तस्दीक के साथ, एक और ऐसी के साथ जो है वो अगले बंदे को सही होना चाहिए। तो ये लास्ट वाला हम पढ़ रहे थे जिटर वाला, तो इसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो डाटा है ना वो इंटरनेट पर या फिर डाटा कम्युनिकेशन में पैकेट्स के जरिए जो है वो ट्रांसफर होता है। अगर आप ऑडियो या फिर वीडियो डाटा जो ट्रांसफर करते हैं या फिर टेक्स्ट डाटा ही ट्रांसफर करते हैं तो पैकेट्स की सूरत में जो है वो ट्रांसफर होता है। वो तो कह रहे हैं कि इसमें जो है ना अनइवन डिले नहीं होना चाहिए। अनइवन मीन होता है गैर हकीकी डिले नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका एक मखसूस टाइम होना चाहिए कि इस टाइम में ये पैकेट्स जो है इतना आपका डाटा ट्रांसफर होगा, फिर उसके बाद इतना डाटा ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डाटा 6 पैकेट्स में जो है वो डिवाइड है तो आपके डाटे के पैकेट्स का टाइम भी डिवाइड होता है कि एक पैकेट इतने टाइम में जो है वो अगले बंदे तक पहुंच जाएगा, उसके बाद सेकंड पैकेट जाएगा, उसके बाद थर्ड जाएगा, इवन के 6 पैकेट जो है वो इतने टाइम में अगले बंदे को रिसीव हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि इसमें अनइवन डिले नहीं आना चाहिए, यानी कि गैर हकीकी डिले नहीं होना चाहिए। ये आपकी डाटा कम्युनिकेशन की खसूसियत है कि इसमें एक गैर हकीकी जो है वो डिले ना हो। फ्रेंड ये था आज का हमारा CS601 का लेक्चर, जिसमें हमने टॉपिक नंबर 1 से टॉपिक नंबर 5 तक जो है वो कवर किए हैं। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लास्ट में आप लोगों को बताता चलूँ कि हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं CS601 की। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आप लोगों को हमारा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तैयारी करवाई जाएगी फाइनल टर्म और मिड टर्म के हवाले से, और क्विज असाइनमेंट में भी आप लोगों की हेल्प की जाएगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सीमा नीला, अपना ख्याल रखिएगा।